देखो एक क्वेश्चन है ये, 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस, इफ वन बॉक्स हैज 24 बुक्स हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड। अब देखो क्या बोल रहा है, 576 बुक्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस, 576 किताबें हैं, उनको किसी बक्से में क्या करना है, हमको बंद करना है। अब बोल रहे हैं अगर एक बॉक्स में 24 बुक्स आ सकती हैं तो कितने सारे बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी उन बुक्स को रखने के लिए, क्या करना पड़ेगा, भागा ठीक है, क्या 576 डिवाइडेड बाय कितना 24 ठीक है। 836 पीपल आर वॉचिंग ए मूवी इन अ हॉल, 836 लोग हैं जो कि एक मूवी थिएटर में क्या कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। इफ द हॉल हैज 44 रोज हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन वन रो, अगर उस हॉल में 44 रोज हैं तो वो सारे लोगों को बैठने के लिए कितने सारे लाइंस की जरूरत पड़ेगी, कितनी सारी रोज की जरूरत पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से भाग डिवाइडेड बाय 44। A gardener bought 458 apple trees. He wants to plant 15 trees in each row. How many rows can he plant? अब वो बोल रहे हैं कि 458 उसके पास क्या हैं? सेब के क्या हैं? पौधे, ठीक है? और एक लाइन में हमको कितने लगाने? 15. तो एक लाइन में कितने लगेंगे? क्या करना पड़ेगा? भागा. 458 divided by 15. अब वो पूछ रहा है how many trees would be left over? Left over का पता कैसे चलेगा? जो उसका अंश आएगा. वेरी गुड, जो उसका शेष बच जाएगा, शेष मतलब रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जितना भी आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, अगर कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो आएगा, अगर कुछ शेष बचेगा तो वो वाला आंसर यहाँ पे लिखना है, ओके। अब देखो ब्रेन टीजर हमने आपको पहले करा रखा है, ठीक है, ये वाला। अब देखो ये वाला, मोर विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर, एक टैंक है जिसमें 300 लीटर क्या है, पानी, हाउ मच वाटर विल बी फीड इन 25 टैंक्स। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो 300 लीटर पानी है इसको 25 टैंक्स में हमने भरना है, तो एक टैंक में कितना पानी आना चाहिए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, गुणा, भाग, बांटना है ना फिर से, तो 300 डिवाइडेड बाय 25। इफ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद वन टैंक ऑफ वाटर, अब बोल रहे हैं अगर एक टैंक से हम 15 बाल्टियां भर सकते हैं, ठीक है, पहले तो हमने इसको टैंक्स में भर लिया, अब एक टैंक्स में कितनी बाल्टी भर सकते हैं हम, 15। हाउ मेनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद वाटर इन 25 टैंक्स, अब 25 टैंक्स में माना वो वाटर है, ठीक है, तो कितनी बाल्टियां भर पाएंगे, मुझसे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, गुणा, किसको किससे बताओ, 15 को 25 से, ठीक हो गया। देर आर 28 लड्डूज इन 1 kg, एक kg में कितने लड्डू चढ़ रहे हैं, 28 लड्डू आ रहे हैं 1 kg में, हाउ मेनी लड्डूज विल बी देर इन 12 kg, तो वो बोल रहे हैं कि 12 kg में कितने लड्डू चढ़ेंगे, क्या करना होगा, गुणा 28 को किससे, 12 से, ठीक हो गया। इफ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स, अब वो बोल रहे हैं कि माना एक डब्बे में 16 लड्डू ही पैक हो सकते हैं, तो कितने, हाउ मेनी बॉक्सेज आर नीडेड टू पैक इन ऑल दीज लड्डूज, तो कितने सारे बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी ऐसे लड्डुओं को, इतने सारे लड्डुओं को भरने के लिए, कितने सारे, अब क्या करना पड़ेगा, भाग, जितना इसको इससे गुणा करके आया, माना इसको इससे गुणा करके आया ए, तो अब ए से भाग देना है किसमें, 16 में, ठीक हो गया, जितना भी आएगा। अब देखो देयर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 26 कमरे हैं और हर एक कमरे में 4 प्लांट्स लगे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 26 को किससे गुणा करना पड़ेगा, नहीं अभी रुको, इफ ईच प्लांट नीड्स 2 cups ऑफ वाटर, और एक प्लांट में हम रोज कितने पानी डाल रहे हैं, 2 cups, 2 cup बोल सकते हैं या 2 jug बोल सकते हैं, 2 jug अगर हम उसमें पानी डाल रहे हैं तो हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट्स, तो हमको सारे प्लांट्स के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, कितने कप्स पानी की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो, 26 रूम है और एक रूम में कितने हैं प्लांट्स, 4, तो पहले तो 26 को किसे गुणा करना पड़ेगा हमें, 4 से, और अब इफ ईच प्लांट नीड्स 2 cups और हर एक प्लांट को कितने पानी चाहिए, 2 cups, तो अब 2 को भी क्या करना पड़ेगा इससे हमको, डिवाइड, गुणा, पहले 26 को 4 से कर लो गुणा, या फिर जितना भी आएगा उसको 2 से कर सकते हैं, या आप 4 को 2 से पहले गुणा कर सकते हैं, 4 दूने 8, फिर 8 को इससे गुणा कर लेंगे, ओके कर सकते हो,